हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबके बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एक नए वंश के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। इनकी जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी मान्यखेत, ये देख रहे हैं आप मान्यखेत, और जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। तो पूरा डिटेल से इस कहानी को कवर करेंगे, और अभी आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। इस मैपिंग को अपने मैंने कई बार आपको दिखाया है, ऊपर देखिए ये विंध्याचल के पर्वत की श्रेणियाँ हैं, नीचे आपकी नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, इधर महानदी है, इस साइड में गोदावरी नदी है, और इसके नीचे पूरा का पूरा शासन हमको देखने को मिलता है दक्षिण भारत के जो भी राजवंश थे। तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं चालुक्य वंश के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वातापी के चालु से, जो कि चालुक्यों की मूल शाखा थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अभी देखना बाकी रह गया, इसका वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा, वेंगी के चालुक्य, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कल्याणी के चालुक्य, ये दोनों वीडियो मैंने बना चुका हूँ, और पल्लव वंश को भी मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। पल्लव वंश, ये देखिए पल्लव वंश, यहाँ पे नदी है उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, नेल्लौर, ये सारी जगह यहाँ पे है। तो कांचीपुरम जो थी इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश के बारे में देख चुके हैं, और आज राष्ट्रकूट देखेंगे, और इसके बाद हम लोग के पास दो और बड़े वंश रह जाएंगे, एक चोल और एक पांड्य। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वंश हैं, जैसे बंगाल के पाल वंश, बंगाल के सेन वंश, लोहार वंश, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे वंश हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई भी टॉपिक आपके लिए नहीं छोड़ूंगा कि जहां आपको परेशानी झेलनी पड़े, बस आप मन लगा के कायदे से जिस रूटीन में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उस रूटीन में अपनी पढ़ाई आप करते चलिए, ठीक है। आइए काम की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में। बहुत ध्यान से कहानी को समझिएगा, बड़ी आसान कहानी होती है, और राष्ट्रकूटों को पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रकूटों के अभिलेख में जो भी राष्ट्रकूटों के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसमें राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान लाटूर को बताया गया है। लाटूर या लाटूर, ठीक है, लाटूर जिला का एक जगह है बीदर, उसको माना गया है। तो आप लाटूर को फोकस करिए और इसको याद रखिए, इनका मूल स्थान कहाँ पर था, लाटूर। किंतु बाद में एलिचपुर यानी बरार में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। मूल निवासी लाटूर के हैं, लेकिन अपना शासन प्रणाली ये कहाँ स्थापित करते हैं, शासन व्यवस्था एलिचपुर में, जिसको हम बरार के नाम से जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, ठीक है, किसके, बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ आपको डिटेल से दोस्तों, ये जो वर्ड है ना सामंत, कई बार हम सुनते हैं सामंत के बारे में, और कई बार से मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ, आज मौका है, आज मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। सामंत कहते किसे हैं, आप बार बार सुनते हैं सामंत सामंत, ये सामंत होता कौन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो बादामी के चालुक्य थे या वातापी के जो चालुक्य थे, ये चालुक्यों की मूल शाखा थी, और उसके यहाँ सामंत के रूप में रहते थे। सामंत माने होता था ना दोस्तों, कि जो राजा होता था ना, राजा से जुड़े कुछ लोग होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, और ये सामंत राजा से संबंधित कार्य को किया करते थे। मतलब ये राजा के ऊपर निर्भर नहीं होते थे, लेकिन फ्री चार्ज के होते थे। जैसे राजा को लड़ाई लड़नी है तो सामंतों से सैनिक सहायता मांगता था। सामंतों के पास अपनी खुद की स्थायी सेना नहीं होती थी, सामंत जो है कुछ खेतिहर लोगों से जुड़े होते थे जो कि सैनिक व्यवस्था का काम देते थे। तो अभी हम लोग हॉलीवुड मूवी वगैरह देखा जाता है ना, उनके पास जो हीरो वगैरह रहते हैं उनके पास खुद की तलवार होती है, उनके पिताजी के पास खुद की तलवार होती है, खुद के घोड़े होते हैं, लेकिन वो खेतों में काम करते हैं, ऐसा देखा जाता है कई कई सारे मूवियों में देखा है ऐसा। तो बाद में जब उनका राजा या उनका सामंत उन्हें याद करता है तो उनके पास चले जाते हैं, और उस लड़ाई के बदले उनको जमीन या फिर असरफी मुद्रा जो कहिए वो उनको दिया जाता है। तो सामंत एक तरह से राजा से जुड़े वे लोग होते थे जो राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। जरूरी ही नहीं सैनिक सहायता, राजा को जैसे कि टैक्स संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें वसूलने के लिए भी ये लोग काम देते थे। तो एक तरह समझ लीजिए कि भाड़े पर काम करने वाले ये लोग होते थे। तो ये राजा के यहाँ जो मान लीजिए क्या करते रहे होंगे, राष्ट्रकूट करते क्या रहे होंगे, तो बादामी के जो चालुक्य थे ना उसके यहाँ, अब इतना बड़ा राज्य था तो उतने बड़े राज्य में राजा अकेले हैंडल तो कर नहीं सकता है, तो छोटे छोटे लोगों को जैसे हम आज गवर्नर बना देते हैं उसी तरह से छोटे छोटे लोगों को सामंत बना दिया जाता था। वो सारी
चीज़ें उस राज्य से संबंधित सरकार को यानी जो राजा होता था उसको बताया करते थे कि यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ विद्रोह हो रहा है, इसको शांत कराना है, इसको दबाना है, सारी बातें। तो उन्हीं के यहाँ सामंत के रूप में काम करते थे कौन, ये राष्ट्रकूट। लेकिन जैसे ही बादामी के चालुक्य कमज़ोर पड़ने लगे, ये सामंत जो है हावी होने लगे, क्योंकि इन सामंतों के पास इतना ज्ञान हो चुका था कि हमारी वजह से ही राजा चल रहा है, राजा के पास अपना अस्थाई तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है हम हैं, ठीक है। तो ऐसा अहंकार इसके अंदर हो गया था, सामंतों के अंदर आ जाता है आगे चल के, और यहाँ पे राजा कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ता है, जिस जिस वंश की बात करेंगे जहाँ राजा कमज़ोर पड़ेगा, सामंत उठ के सामने आ जाएंगे और वो सत्ता हथिया लेंगे। वही हाल होता है यहाँ पे दंती वर्मन नाम का एक व्यक्ति, जिसका नाम दंती दुर्ग भी था, देखिए ध्यान से, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक यही व्यक्ति था दंती वर्मन या दंती दुर्ग। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके, कमज़ोर था कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मानिकखेत को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। किसने, इस दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में यानी उज्जैन में एक यज्ञ भी कराया जिसको हिरण गर्भ यज्ञ कहा गया, और इसमें उसने महादान का काम किया। इस यज्ञ में प्रतिहार नरेश यानी प्रतिहार वंश है एक, इसके बारे में बताऊँगा आपको। प्रतिहार राजा द्वारपाल का काम किया, मतलब गेट पर जो गार्ड होते हैं ना, उसका काम किया, ठीक है, प्रतिहार राजा ने। तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूटों की जो शक्ति थी वो बड़ी बढ़ चढ़ के थी, क्योंकि प्रतिहार राजा वहाँ गेटकीपर का काम कर रहा है, चाटुकारिता का काम कर रहा है। इसका मतलब है कोई कमज़ोर सत्ता होता तो प्रतिहार वंश उनके ऊपर दबाव बना लेता, ऐसा काम तो नहीं करता। इसका मतलब है कि इन लोगों का उस समय जो पराक्रम था या प्रसिद्धि थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। इसके बाद दंती वर्मन के बाद या दंती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट राजा आता है वो है कृष्ण प्रथम। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा, कई बार आपने सुना होगा कि यार लोगों के लड़के भतीजे राजा बनते हैं, बात समझ में आती है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। दंती वर्मन पहले राजा था और उसका चाचा जो कृष्ण प्रथम है वो बाद में राजा बना। देखिए बिल्कुल उल्टी कंडीशन है, ठीक है। दंती वर्मन का चाचा कृष्ण प्रथम वो राजा बनता है 756 में, ठीक है, राजा बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। अभी तो दंती दुर्ग ने सिर्फ साम्राज्य की स्थापना किया था, पूर्ण रूप से चालुक्यों का अंत किसने किया, नष्ट किसने किया, तो कृष्ण प्रथम ने किया। सॉरी, इसने वेंगी के चालुक्य, वेंगी मतलब जो पूर्वी वाले थे ना, पूर्वी मैंने मैप में आपको दिखाया था ना, जो भारत में पूर्वी हिस्से में थे वे वेंगी के चालुक्य थे। इसने वेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगवंश यानी मैसूर के गंगो मतलब गंगवंश की बात कर रहा हूँ, जो गंग शासक थे। इसने वेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मतलब कि कृष्ण प्रथम जो है वो टैलेंटेड तो है, अगर टैलेंटेड नहीं होता तो चालुक्य के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर पाता। एक काम, यहाँ पे कौन से चालुक्य की बात कर रहा हूँ, यहाँ से वादामी या वातापी के चालुक्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वेंगी के चालुक्यों को भी बाध्य किया और मैसूर के गंगों की भी बाध्य किया। जो कल्याणी के चालुक्य थे ना, जो हमने वीडियो में पढ़ चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, तो जो कल्याणी के चालुक्य थे वो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद आए थे, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले सिर्फ दो चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। जो हम पढ़े हैं कल्याणी के चालुक्य वो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर हमको कल्याणी के चालुक्य को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम दो ही नाम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वेंगी और चाहे बादामी, चाहे वेंगी चाहे बादामी। अच्छा काम इसने जीवन में एक किया कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वजह से एलोरा के निर्माण में अगर आता है तो मैंने आपको बताया था एलोरा रासे राष्ट्रकूट, एलोरा रासे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कई सारी गुफाएं भी बनवाई और उसके अलावा कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया। और किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने। अब आप नहीं भूलोगे ना कि दंती वर्मन का चाचा था, ठीक है, दंती वर्मन ने राज्य स्थापित किया था और उसका चाचा कृष्ण प्रथम जो है वो ये काम किया था। इसके बाद जो लड़का आता है ध्रुव जो होता है ये गोविंद द्वितीय का पुत्र रहता है, ठीक है, गोविंद द्वितीय एक छोटा सा शासक रहता है, उसका पुत्र रहता है, टैलेंटेड रहता है। 780 में यह राजा बनता है, कृष्ण प्रथम के बाद यह राजा शासक बनता है राष्ट्रकूट वंश का। इसने उत्तरी भारत पे आधिपत्य के लिए एक मिशन चलाया, कहाँ पे,
सब राजा क्या कर रहे थे, दक्षिण भारत से लड़ रहे थे भाई। राष्ट्रकूट वेंगी के पास गया, राष्ट्रकूट अपने से नीचे जो है मैसूर चला गया गंग वंशों के पास लड़ाई करने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा जितने भी विजय अभियान चल रहे थे सब दक्षिण भारतीय विजय अभियान थे। ये काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश के किसी शासक ने, या कहिए कि किसी भी वंश के किसी शासक ने उत्तरी भारत को विजय करने के लिए कोई अभियान चलाया हो। जैसे अगर हम उत्तरी भारत के किसी राजा के बारे में बात करेंगे किसने दक्षिणी भारत का अभियान किया मध्यकालीन सत्ता शासन में, तो वहाँ पे नाम आता अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया, ठीक है, मलिक काफूर को लेकर के। बताऊंगा आपको स्टोरी, मैंने खिलजी वंश का वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो उसी तरह से ध्रुव वह राजा था जिसने उत्तरी भारत का जो है काम शुरू किया कि वहाँ हमको लड़ाई लड़नी है और वहाँ चीज़ों को जीतना है, क्षेत्रों को। और इसने हिस्सा लिया त्रिसत्तात्मक संघर्ष में। इसका वीडियो मुझे बनाना है दोस्तों, बहुत डिटेल से बनाऊंगा इसके बारे में और बताऊंगा कि तीन वंशों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो किस बात को लेकर चल रही थी। तो ये त्रिसत्तात्मक जो संघर्ष है, मतलब तीन सत्ता जो है आपस में लड़ रही है, तो उस संघर्ष में इसने हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप ही नहीं किया, इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया भी। झांसी के पास, झांसी के निकट प्रतिहार नरेश वत्सराज को हरा दिया। इसके अलावा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी गंगा यमुना के दुआब पर पराजित किया। मतलब कि ध्रुव भी क्या था, अपने आप में टैलेंटेड था, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिहार नरेश को देखा था कि जब दंती वर्मन ने राज्य की स्थापना किया और हिरणगर्भ जो है यज्ञ करवाया, तो वहाँ पे प्रतिहार नरेश जो है द्वारपाल का काम किया था। और तीसरा नंबर का जो राजा था इसने हरा करके वत्सराज को जो है हरा दिया। तो कुल मिला जुला के इसने यहाँ हस्तक्षेप किया और इन दो राजाओं को हराया। उत्तर में के अपने सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राजचिन्ह पर गंगा और यमुना का प्रतीक चिन्ह बनवाया कि भाई जीता था ना, इसलिए जो मुद्राएं थी और जो अपना राजचिन्ह था उसमें गंगा और यमुना नदी को भी प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है गोविंद तृतीय। ध्रुव था ना दोस्तों, वो गोविंद द्वितीय का पुत्र था। जो ध्रुव था वो गोविंद द्वितीय का पुत्र था, और यहाँ गोविंद तृतीय की बात कर रहे हैं। गोविंद तृतीय जो है वो ध्रुव का पुत्र है, ठीक है। ताम्र संजन ताम्रपत्र के अनुसार, एक संजन ताम्रपत्र है उसके अनुसार बताया गया है कि गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। भाई पिताजी भी तो उत्तर गए थे, तो बेटा क्या उत्तर में नहीं जाएगा। इसने हिमालय तक जो है विजय अभियान चलाया, और अभियान चलाने के बाद जो पल्लव शासक थे, पल्लव तो फिलहाल नीचे के थे, पल्लव शासक, पांड्य शासक, केरल, गंग, इन राजाओं के द्वारा जो भी संघ बनाए गए थे इनको ध्वस्त किया दक्षिण साइड में। उत्तर साइड में जब ये हिमालय तक गया तो रास्ते में मुलाकात हुआ मालवा वंश से, ठीक है, मालवा, कौशल और कलिंग, इनके राजाओं को भी परास्त करके जीत हासिल किया। मतलब कि ध्रुव का जो पुत्र था गोविंद तृतीय, ये भी बहुत ही टैलेंटेड था। टैलेंटेड नहीं होता तो पल्लवों को कंट्रोल करना, पांड्य को, केरल को, गंग को, मालवा को, कौशल को, कलिंग को, इन लोगों को कंट्रोल करना किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य राजा के बस की बात नहीं है। पाल शासक धर्मपाल को, ठीक है, तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को भी इसने जड़ से उखाड़ फेंका, मतलब हिला दिया पूरे शासन व्यवस्था को गोविंद तृतीय ने। तो बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए हैं राष्ट्रकूट वंश के, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। हमने सबसे पहले देखा दंतीवर्मन, ठीक है, सामंत से अपनी सत्ता स्थापित किया। फिर हमने देखा उसका चाचा कृष्ण प्रथम, उसको भी हमने देखा कि कृष्ण प्रथम ने भी अपनी सत्ता को बढ़ाया। उसके बाद हमने देखा ध्रुव के बारे में, वहाँ भी हम लोगों ने बातें किया कि वह भी त्रिसत्तात्मक हस्तक्षेप किया और उत्तर भारत का अभियान किया। उसका लड़का हुआ गोविंद तृतीय, इसने हिमालय तक अभियान चला दिया और आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। अमोघवर्ष ये पूरे के पूरे राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, अमोघवर्ष, ठीक है, यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। यह कर्क के संरक्षण में बड़ा हुआ था, मतलब पहले यह अल्पवयस्क था, तो जिस समय इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद कर के अल संरक्षण में ये शासक हुआ है अमोघवर्ष। हाँ, शासन व्यवस्था इसके जमाने में अच्छी थी क्योंकि पर्याप्त राज्य का विस्तार हो गया था, और जब किसी राज्य का विस्तार पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो लड़ाई झगड़े ना होके साहित्य और कला को विकास मिलता है। तो अमोघवर्ष जो था इसने एक रचना भी किया हुआ है कवि राजमार्ग के नाम से, कवि राजमार्ग के नाम से एक रचना भी किया हुआ है इन्होंने। कन्नड़ भाषा में यह काव्य ग्रंथ है,
ठीक है। उसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को भी आश्रय दिया था, जिसमें से आदि पुराण के रचयिता जिनसेन है, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, ये लोग इसके यहाँ थे। अमोक वर्ष जो था ये जैन धर्म का पोषक था, किंतु हिंदू देवी देवताओं को भी मान्यता देता था। एक ऐसी मान्यता भी रही कि इसने लक्ष्मी जी का बहुत परम भक्त था और लक्ष्मी जी की तपस्या में इसने अपने एक अंगुली को काट के चढ़ा दिया था माता लक्ष्मी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में भी इसकी काफ़ी रुचि देखने को मिलती है और ये जैन धर्म से प्रभावित था। इसकी तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई है। क्यों? क्योंकि यह पराक्रमी, बलशाली, प्रसिद्धि हर चीज़ होने के साथ साथ इसने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उसी तरह से इसके भी दरबार में तमाम रत्न थे। नवरत्न तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे रत्नों को इसने अपने दरबार में बिठाया हुआ था, आश्रय दिया हुआ था। तो इसका जो काम था, या स्थापत्य कला की दृष्टि से, या फिर कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, ये बड़ा ही अच्छा था, इसलिए इसका नाम हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रतृति। ठीक है, इंद्रतृति जो है ये छठे नंबर का राजा है। और इंद्रतिथि ने क्या किया, देखिए, इंद्रतिथि ने प्रतिहार शासक महिपाल को, किसको, महिपाल को पराजित किया और 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद यह और भी प्रसिद्ध हो गया। पूरा लूट लिया कन्नौज को। ठीक है, इसी समय एक अरब यात्री भारत आया था इसके राज्य में। ठीक है, उसका नाम था अलम सूदी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अलम सूदी भारत कब आया या किसके राज्य में आया था। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश में इंद्र तृतीय के यहाँ था अलम सूदी। कहाँ का था? अरब यात्री था। ठीक है, तो इस तरह से आता है, इसे पूछता ना इब्न बतूता कब किसके राज में आया, तो ठीक है, तो उस समय तुगलक वंश चल रहा था। तो उसी तरह से ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में, ठीक है, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, विक्रमादित्य के टाइम में, तो इस तरह से है। इसके बाद कृष्ण तृतीय जो है, कृष्ण तृतीय ये इसकी इसको इसने उपाधि धारण की थी अकाल वर्ष। यार ऐसी भी उपाधि होती है क्या, अकाल वर्ष? हाँ, तो याद रखिएगा, अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण किया है, कृष्ण तिथि ने। इसने कांची एवं तंजौर की विजय भी की। कांची जो है राजधानी रही थी पल्लवों की, मैंने बताया था आपको, कांची और उसी के बिल्कुल करीब में ही है तंजौर। तो इसने कांची एवं तंजौर की विजय की हुई थी। तत्पश्चात इसने उपाधि धारण की तंजयम कोंड, कांची और तंजौर का विजेता, तंजयम कोंड। ठीक है, कृष्ण तिथि ने चोल नरेश परांतक प्रथम को, देखिए अभी तक हमने पीछे पढ़ा कि चोल जो शासन व्यवस्था थी वो बड़ी ही चुस्त दुरुस्त थी, और चोलों को हराना किसी आम नागरिक के बस की या किसी आम राजा के बस की बात नहीं थी। सबसे बड़ी शक्ति के रूप में चोल उभरे थे। मैंने कल आपको बताया था कि राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये जो राजा थे ये सब बहुत ही पराक्रमी राजा थे, और इन्होंने भारत को, जान लीजिए कि भारत के दक्षिण भारत पे शासन करते हुए इन्होंने 1200 द्वीपों पर अलग अलग आधिपत्य किया। ठीक है, तो इन लोगों को हराना मामूली बात नहीं थी, लेकिन कृष्ण तिथि ने चोल नरेश परांतक प्रथम को परास्त कर चोल राज्य के उत्तरी भाग पर भी अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूट, देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों की राज्य की वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है। इसकी सेनाएं सुदूर दक्षिण तक गई और उसने रामेश्वरम में एक मंदिर और विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया। उस जीत की खुशी में रामेश्वरम में एक मंदिर बनवाया और विजय स्तंभ की स्थापना भी करवाया। इसकी राज्यसभा में एक रचना हुई थी शांति पुराण। ठीक है, वो रचना किए थे पोन ने, वो इन्हीं के राज्यसभा में रहते थे पोन ने, इनको याद रखिएगा। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, और जब जब उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध हुआ है, राज्य का पतन हो गया है, बचा नहीं है कोई, लड़ते लड़ते सब मारे जाएंगे, वही हाल होती यहाँ पे। और कर्कदूति आप देख पा रहे हैं, कर्कदूति जो है ये चालुक्य राजा तैलपदूति ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्कदूति को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया और 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंशी राज्य की स्थापना की गई। ये हमने पढ़े हुए, हमने पढ़ा ना तैलपदूति के बारे में, कल मैंने बताया था ना तैलपदूति, तो वही तैलपदूति की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने कर्कदूति को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। 973 में इन्हीं का पतन, इनको मतलब राष्ट्रकूटों का पूरी तरीके से पतन हो गया, और जिस जगह पे राष्ट्रकूट थे, मान्य खेत इनकी राजधानी थी, जिस जगह पे ये थे वहीं पे कल्याणी के चालुक्य जो है अपने राज्यों की स्थापना करते हैं और कल्याणी आता है। देखिए, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों को हरा के ही तो बनाए थे भाई, वातापी के चालुक्यों को समाप्त करके तो उनकी शासन बनी थी।
फिर से उसने उन्होंने चालुक्यों को समाप्त किया और चालुक्यों ने उन्हें समाप्त किया। अंतर बस इतना है कि राष्ट्रकूटों ने वातापी या बदामी के चालुक्यों को समाप्त किया और राष्ट्रकूटों को जो है कल्याणी के चालुक्यों ने समाप्त किया, तो सत्ता फिर से चालुक्यों के हाथे में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा दोस्तों, ये मैं वेंगी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों सबसे बेहतरीन वीडियो में आएंगे चोल वंश, ठीक है, पांडे वंश, चोल वंश, इसके बारे में, चोल, चेर, पांडे, बहुत सारा वंश है, छोटा छोटा वंश है, तो इसको मैं चाहूँगा कि जनरली कवर करा दूँ आपसे, ताकि एंशियंट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाए। दोस्तों आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को कि आप पीडीएफ के लिए बहुत परेशान हो। मेरा मानना यह था दोस्तों कि मैं पूरे की पूरी एंशियंट की आपको पीडीएफ दूँ, एक साथ पूरा एंशियंट। अभी आप हमसे मांगोगे तो अभी अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाएंगी। अभी चोल वंश मैं नहीं पढ़ाया हूँ आपको, चेर वंश नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसके बाद पांडे हैं, ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं कुछ मदुरई में छोटे मोटे वंश थे उनके बारे में बताना है, बंगाल का पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, ठीक है, लोहार वंश। तो ये जो छोटे छोटे वंश हैं, देखिए जरूरी नहीं कि यार एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता, हम इतिहास पढ़ रहे हैं और हमें इतिहास पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। कभी मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, मोटिवेशनल नहीं, मोटिवेशन टाइप का कोई वर्ड ही नहीं होता है, मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है, आपको मुझे दर्शन कराना है आपके ज्ञान का, आपके हावभाव का दर्शन कराना है। जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन आपको मैं तरीका दूंगा, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल पीडीएफ के लिए मत परेशान हो, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इतने दिन से वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे होता है मैं एक एक लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सबको, ठीक है, बिल्कुल वहाँ परेशान होने की आपकी आवश्यकता या आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो उस ऐड को पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करो भाई, उस पर क्लिक किया करो, ऐड पे क्लिक किया करो। एक ही काम बताया हूँ, इतना मेहनत से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, अब एक काम अगर आप मेरे बताए ना कर पाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये छोटा सा काम मेरे लिए करिए, और हाँ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल के बारे में कि वो यहाँ आए और पढ़ाई करें, ताकि सब लोग सक्सेस हों, सब लोग सक्सेस हों, ठीक है। 2018 में सबको सेलेक्ट होना है, यहाँ सिलेक्शन एक जीत है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।